बहुत खतरनाक और शानदार झरना इस समय यहाँ पर बहता हुआ। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवीर रावत पहाड़ी ब्लॉग और स्वागत करते हैं आपके उत्तराखंड की इन खूबसूरत हसीन पहाड़ी वादियों से। तो दोस्तों अभी ले जाता हूं आपको जो है अपने झूला पुल की तरफ। आज की वीडियो जो है झूला पुल की बना रहा हूं। झूला पुल के दो रास्ते हैं, एक तो नीचे दुकान से जाता है जिसमें गाड़ी भी अंदर जाती है, और इस एक रास्ता है जो ऊपर स्कूल के पास गाड़ी खड़ी करके ना पैदल नहर से जाते हैं। तो अभी दिखाता हूँ नहर वाला रास्ता आपको, बने रहिए वीडियो में। वो नहर वाला रास्ता है, इस रास्ते से होते हुए तुम पहुँचोगे सीधे झूला पुल में। और ये नहर जो बनाई है ना भाई, अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई नहर है। तो कितनी मेहनत करी होगी अंग्रेजों ने नहर को बनाने में, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट के एक सुंदर सी नहर बना दी है। तो दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे रेल की पटरियाँ हैं, और यहाँ के सुंदर से नज़ारे आपको दिखाई देंगे। बहुत सुंदर सा एक छोटा सा गांव है सिला चौकी। तो सिला चौकी जो है गांव है, और जिसके नाम से लोग जो है नदी को ढूंढते हैं यहाँ आकर कि सिला चौकी नदी कहाँ है। वैसे सिला चौकी गांव है और ये गांव का नाम ही सिला चौकी है। इस नहर से चलते चलते आपको दिखाई देगा ठीक सामने रिवर रेन रिसोर्ट, ये है यहाँ पर सामने बना हुआ है, और इसी के ठीक नीचे है ये झूला पुल। तो इसी झूला पुल के ठीक ऊपर है बना हुआ रिवर रेन रिसोर्ट एंड कैफे चेरापूंजी बंक स्टे। नहर का पानी भी काफी शुद्ध और साफ पानी है, तो हम लोग इसी पानी को पीते हैं। रास्ता है जो नीचे दुकान के पास से अंदर आता है झूला पुल में, तो ये वो वाला रास्ता है। इस रास्ते पे गाड़ी आ जाती है अंदर, और ये वाला रास्ता पैदल का है। यहाँ से नीचे उतरो सीधे आ गया है हमारा झूला पुल। तो झूला पुल के सुंदर से नज़ारे अपने आप में बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत पुराना पुल है। और झूला इसको इसलिए बोलते हैं, इसकी जो ये रस्सियाँ हैं ना, ये वाली ये लगी हुई हैं, झूले की तरह दिखती हैं, और पुल खूब हिलता है। देखिए कैसे हिल रहा है। सामने है चेरापूंजी बंक स्टे का बोर्ड लगा हुआ। तो ये हमारा खूबसूरत झूला पुल है। तो शाम के समय झूला पुल का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई देता है। सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और हल्की हल्की सूर्य की किरणें अभी दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ पर सनसेट व्यू होने लगा है, हल्की सी धूप दिखाई दे रही है उस वाली पहाड़ी पर। और यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी है नहाने के लिए, खूब मस्ती से आप यहाँ पर नहा सकते हैं। चलते हुए आगे जाके आप उतरेंगे नीचे नदी में, तो दिखाते हैं अभी नदी का व्यू आपको। और यहाँ से नीचे उतर के मैं पहुँच गया हूँ ठीक नदी के किनारे। नदी के किनारे से देखिए झूला पुल में कितना ज़्यादा पानी है। ये देखिए यहाँ का पानी, सुंदर सी यहाँ की नदियाँ के पानी की आवाज़, और साफ पानी, और लोगों द्वारा खूब फैलाई हुई गंदगी। देखिए कितना ज़्यादा पानी है नहाने के लिए, मस्त होकर नहा सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गहरा है, यहाँ का जो पानी है ना पूरे गले गले तक आ जाता है। मैंने कई बार देखा है यहाँ पर नहा के, नहाते हुए भी देखा है, तो गले गले तक पानी आ जाता है यहाँ से। और सामने झूला पुल का नज़ारा कुछ ऐसे दिखाई देता है। अब चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होने लग जाता है। पहाड़ियों की छाया एक दूसरी जगह पर पड़ती है, तो अंधेरा जल्दी होने लगता है। और अभी मैं नदी में आया हूँ तो खाली हो गया है, दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी मैं शाम के टाइम आया हूँ, बिल्कुल शाम हो गई है, तो अब कोई नहीं है नदी के अंदर, बिल्कुल खाली हो गया है। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नदी में आ रहे हैं ना, तो 6 बजे से पहले पहले नदी से बाहर निकल जाइए, क्योंकि 6 बजे के बाद ना जंगली जानवर पानी पीने के लिए नदी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें भालू भी होता है, बाघ भी होता है। तो 6 बजे से पहले ही नदी को खाली कर दीजिए, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता है कि जब जानवर के साथ आमना सामना होगा तो वो अपने बचने के लिए अटैक ज़रूर करता है। तो सुंदर सा पानी आपको नहाने का इंतज़ार करता हुआ, देखिए कितना पानी है,
कलकल करती नदियों की आवाज, उन नदियों से निकलता हुआ शुद्ध मिनरल वाटर, एकदम ठंडा पानी इतनी तेजी के साथ बह रहा है। और यहाँ पर एक मस्त सा झरना दिखाई दे रहा है, ये देखें। सुंदर से नज़ारे, प्रकृति ने खूब मेहर बरसी है सिल्ला चौकी की तरफ। यहाँ पर नदियों में बहुत सुंदर पानी है और बहुत सुंदर से झरने आपको दिखाई देंगे। ये बहुत जगह है यहाँ पर और काफी पानी है, तो खूब मस्ती कीजिए यहाँ पर, नहाने का खूब आनंद लीजिए। पर एक ध्यान जरूर रखिए कि गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको नहाने के लिए इतनी सुंदर जगह फ्री में कहीं नहीं मिलेगी, तो गंदगी का विशेष ध्यान रखिए और इन सुंदर से झरनों का विशेष ख्याल रखिए। खूब पानी है हर जगह, नहाने को भरपूर पानी मिलेगा आपको। नदियों के झरनों की आवाज़ बहुत सुंदर आपके कानों में गूंजती हुई यहाँ से, तो सिल्ला चौकी का ये एक अद्भुत नज़ारा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है नहाने वालों की, क्योंकि एक तो ये बहुत नज़दीक का एरिया है और बिल्कुल सरल रास्ता है, आसान, और यहाँ की सुंदरता और एक पॉइंट यहाँ पर ये है नहाने का, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी है भाई। ओ तो नहाने के लिए आपको यहाँ पर भरपूर जगह मिलेगी और सुंदर से नज़ारे, झरने के सुंदर से नज़ारे देखिए, कितना सुंदर झरना इस टाइम बना हुआ है। तो ये है हमारी सिल्ला चौकी का खूबसूरत झरना, इसके पानी की फुहार ना मेरे ऊपर तक गिर रही है और बिल्कुल ठंडा लग रहा है एकदम। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का और बहुत खूबसूरत ये झरना है। यहाँ पर नदियों में बहुत सुंदर पानी है और बहुत सुंदर से झरने आपको दिखाई देंगे। सुंदरता के बीच ऊंचे पहाड़ से गिरता हुआ एक झरना, सिल्ला चौकी वाटरफॉल, बहुत सुंदर दिखाई देता है। एक अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा। बहुत खतरनाक और शानदार झरना इस समय यहाँ पर बहता हुआ।
तो यहाँ पर आइए और खूबसूरत इन झरनों का आनंद लीजिए, ठंडे ठंडे पानी का आनंद लीजिए और शिला चौकी एक खूब सुंदर दृश्य घूमने का आपको मिलेगा। सुंदर झूला पुल है, बड़े बड़े झरने हैं, मस्त वाटरफॉल है, खूब आनंद लीजिए यहाँ पर। तो अगर आप भी इन झरनों का आनंद लेना चाहते हैं तो चले आइए दौड़े दौड़े शिला चौकी की तरफ। देहरादून से सीधे आप भानेवाला एयरपोर्ट को होते हुए, थानों से होते हुए आप निकलते हैं मेन रोड पर और मेन रोड से सीधे अंदर की तरफ एक रोड करती है शिला चौकी की तरफ। शिला चौकी, ड्रीम वैली होटल, कदम रिजॉर्ट सब इसी लाइन पे आपको मिलेंगे और रुकने के लिए भी यहाँ पर शानदार जगह है, यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं आकर के और इन प्राकृतिक की सुंदरता का खूब आनंद ले सकते हैं और बहुत सुंदर से नज़ारे, शाम का वक्त और सुंदर झरने की आवाज। अंधेरा होने लगा है और मेरे को बहुत जल्दी नदी से बाहर निकलना होगा क्योंकि इस समय जंगली जानवर पानी पीने के लिए नदी में आना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं कोई अचानक ही कुछ मिल गया ना, बाघ भी हो सकता है, भालू भी हो सकता है, तो इस खतरे से हमें पहले ही नदी से बाहर निकलना होगा। नदी से वापस मैं झूला पुल पे आ गया हूँ और अब निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। तो खूब सुंदर वाटरफॉल, नदियों, सुंदर पहाड़ियों का आप लोग यहाँ पर आकर खूब आनंद लीजिए। बस निवेदन आपसे एक है कि गंदगी मत फैलाइए, ये जो सुंदरता है ना, इस सुंदरता को ऐसे ही बनाए रखिए। तो रघुवीर रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब ज़्यादा कमेंट कीजिए शिला चौकी वाटरफॉल आपको कैसे लगा है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।